जो भाई नया बिजनेस खोलने जा रहे हैं, जैसे बेकरी की दुकान है, रेस्टोरेंट खोलते हैं, स्वीट्स की दुकानें खोलते हैं, तो उन भाइयों को काफी दिक्कत आती है कि वो सामान कहाँ से लेकर आता है। जो मशीनें हैं कमर्शियल, जैसे ड्रॉपिंग मशीन है, ओवन हो गया, पिज्जा मशीन है, काउंटर है, या इनकी जो मशीनें होती हैं जैसे आलू छिलने की मशीन है, मैदा लगाने वाली मशीन है, ये मशीनें सही रेट पर कहाँ मिलती हैं? लेकिन उन भाइयों को भी नए सामान की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई सामान खराब हो गया, चेंज कराना है या सिंगल सामान लेना है, तो वो भाई भी वहां से ले सकते हैं। जो जगह आज मैं बताऊंगा जहां पूरी मंडी है, आप सारा सामान वहीं से ले सकते हैं। और जो भाई मुझे पूछ रहे थे उनके लिए भी है कि वहां मंडी में जाए, पैकिंग मशीन हो गई, नमकीन का मैन्युफैक्चरिंग डाले, यानी किसी भी तरह की मशीन की जरूरत है आप वहां से ले सकते हैं, वो भी कंपटीशन है। तो दोस्तों आज सारी बातें इसी बारे में करूंगा, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा ले आता हूं मैं, सुनील राठौर सुंदर स्वीट से। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों जैसे बेकरी खोलने जा रहे हैं, आपको ओवन की जरूरत पड़ेगी, छोटे बड़े कई तरह के ओवन होते हैं, मिक्सर चलिए चाहिए आपको, ड्रॉपिंग मशीन चाहिए या पैकिंग के लिए मशीनें चाहिए, तो ये सारी मशीनें आपको लाल कुआ के अंदर मिल जाएंगी, मंडी या पूरी जितना भी कमर्शियल सामान होता है सारा वहां पर मिल जाता है। चाहे रेस्टोरेंट की बात करूं, रेस्टोरेंट के अंदर तंदूर हो गए आपके, काउंटर हो गए, डिस्प्ले काउंटर हो गए, या किसी भी तरह की कोई मशीन है, जैसे ग्रेवी बनाते हैं टमाटर की, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट के अंदर, तो वो ग्रेवी वाली मशीन है, यानी सब चीज की मशीनें आ गई है, पैकिंग मशीनें हो, प्लेटें जो पैक होती है उसकी भी मशीनें वहीं पर मिल जाती है, वो भी उचित दाम पर। रेट वहां पर कंपटीशन इसलिए है कि काफी सारी दुकानें हैं, मंडी है, अगर इस दुकान पे आपको अच्छा नहीं लगता है आप दूसरी दुकान पे पता करें तो वहां पर भी नहीं अच्छा लग रहा, तीसरी दुकान पे जाए, ऐसे करके आप वहां पर रेट पूरा मिल जाएगा। और जो भाई ये कहते हैं कि एक जगह वहां पर काउंटर बनते हैं, मैं जाके वहां से ले लूंगा, किसी ने मुझे बताया कि वहां पर इस रेट में मिलते हैं, तो भाई मिलते हैं, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वो अपने रेट से देंगे। लेकिन जहां चार दुकानें होती हैं, जहां भीड़ भाड़ होती है, जहां मंडी होती है, मार्केट होती है, अगर वहां से लेंगे तो बहुत ही उचित दाम में और अच्छे रेट में बार्गेन करने का भी मौका मिल जाएगा, आपको सही रेट पे मिल जाएगी। मैं आपने देखा होगा शादी पार्टियों में कैटरिंग का काम है, या स्वीट्स की हमारी दुकान है, या नमकीन का काम है, बिस्कुट का है, तो इसका जो सामान सारा हमारा कमर्शियल आता है, मेरा भी वहीं से आता है, लाल कुएं से, जितने भी चूल्हे हो गए, भट्टियां हो गई, ओवन हो गए, मशीनें हो गई, सारा सामान मैं भी लाल कुआं से लेके आता हूं। काफी भाई जानना चाह रहे थे कि आप कहां से लेके आते हैं, तो मेरा भी वहीं से आता है, क्योंकि वहां पर कई दुकानें ऐसी भी हैं हमारी जुड़ी हुई जो काफी दिनों से हमें सामान दे रही है, तो हमारे को रेट भी उचित मिल जाता है, मुझे ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हमारा ज्यादातर फोन पे ही काम हो जाता है, क्योंकि जो नए दुकानदार है उनकी बात कर रहा था अभी तो मैं, लेकिन जो पुराने भाई है उनको भी चेंज करना होता है, जैसे सामान खराब हो जाता है, चेंज करना है, सर्विस करानी है, या किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो लाल कुएं के अंदर जाएंगे आप वहां पर जाकर हर प्रकार का, यानी कोई भी मशीन हो या कमर्शियल सामान हो, आप डिस्प्ले काउंटर से लेके हर चीज आपको लाल कुएं मिल जाएगी। लेकिन जो कच्चा सामान है, जैसे दाल, चीनी, चावल, राशन का सामान जिसे बोलते हैं, वो आपका कहां से आता है, तो ये मैं पूरी जानकारी कल की वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो कि किसी भाई के काम आ सके। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।